Hello guys, this is the police here. Very nice people. Yeah, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हम जर्मनी पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से। ये जर्मनी का टीवी टावर है जिसके नीचे हमारा होटल बिल्कुल लिटरली 5 मिनट की वॉक पे है। ये हमारा होटल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी जा रहे हैं मार्केट प्लेस की तरफ। मार्केट प्लेस बहुत दूर नहीं है, इसकी करीब ही है, तो इंशाल्लाह हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि कनाडा में और जर्मनी की मार्केट में क्या डिफरेंस है। यहाँ के ऑब्वियसली पहले तो लोग हैं, लोग डिफरेंट है, डिफरेंट एथनीसिटीज़ है, जैसे वहाँ मल्टी कल्चरल है ऐसे यहाँ भी है, बट यहाँ में आपको मोस्टली यूरोपियंस देखेंगे, जो टिपिकल यूरोपियंस जो आपको यूएस कनाडा में नहीं दिखते। तो इंशाल्लाह लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे। अभी मौसम थोड़ी हवा चल रही है, दिन में थोड़ी गर्मी थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी कोल्ड ब्रीज चल रही है, तो थोड़ी बहुत ड्रिजल भी हो रही है, थोड़ी बारिश भी चल रही है, तो इंशाल्लाह अच्छा माहौल है। ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने बहुत से यहाँ पे कैनेडियन अमेरिकन ब्रांड्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने नोटिस किए, जैसे कि और बाकी लोकल कैफेज भी हैं, बिस्ट्रोज भी हैं। तो ये रात का टाइम है, शायद आपको सब नज़र ना भी आ रहा हूँ, लेकिन ये इनकी जो मेन स्ट्रेच है यहाँ पे जो वॉकिंग है इन सब पे, और ये लोग यहाँ पे, आज सैटरडे नाइट है तो इस वजह से लोग, मैं आपको बता दूँ, इधर देखिए ये ट्रेन हैं, ये इनकी मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। जर्मनी इज़ नोन फॉर बिल्डिंग्स, इसके आर्किटेक्चर जो 3-4 डेकेड से जो चलता आ रहा है, और दूसरी चीज़ ये पार्क्स हैं यहाँ पे। ये देखें डाउनटाउन के अंदर उन्होंने ऐसे बनाए हुए पार्क्स वगैरह जिसमें आप जाके शाम में एंजॉय कर सकते हैं। एक मॉन्यूमेंट इनका ये भी है, रात है शायद आपको सही नज़र नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन बहुत बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जर्मनी को बनाया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, स्पेशली जब हिटलर के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी, सारे ब्रिटिश यूके यूएसए जो सब ने मिल के जो जर्मनी पे हमला किया था, तो बर्लिन मरकज़ था उस टाइम जर्मनी का, तो उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही का निशाना बना बर्लिन स्पेशली जहाँ भी हम हैं। तो उसके बाद उन्होंने इसको रीबिल्ड किया और आज आप देखें ये जर्मनी वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन दुनिया में अपनी मेहनत की वजह से फिर दोबारा खड़े हो गए। और दूसरी बात आपको बताते चलें कि यहाँ ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का कॉन्सेप्ट बना दिया था। ईस्ट जर्मनी जो थी वो सोवियट्स कंट्री थी और वेस्ट जर्मनी यूके फ्रांस और यूएस के अंडर थी, तो वो दरमियान में वॉल ऑफ बर्लिन थी, इंशाल्लाह हम सब आपको वो भी बताएंगे। तो उसको दो को अलग-अलग कर रही थी जी। ये मैं आपको स्पेशली यहाँ मैं आपको ये वाटर फाउंटेन दिखाना चाहता हूँ, उसकी खसूसियत ये है कि ये देखिए इसकी बिल्कुल ये बिल्डिंग के सामने है और ये बिल्डिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट है टेलीविजन टावर के सामने। सो ये बहुत ज़्यादा लाइक यूएस कनाडा में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जो अर्बन सिटीज़ डेवलप करते हैं, जब ये डेवलप हुई हैं ऑब्वियसली ये तो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो डेवलप किए इन्होंने, हमारी तो अभी 1800 के बाद शुरू हुई है यूएस कनाडा नॉर्थ अमेरिका, लेकिन ये जो सिटीज़ हम देख रहे हैं इन पे न जाने कितनी ही लाइक सदियों से लोग चलते आ रहे हैं ये इन पेवमेंट्स पे। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा यूरोपियन यूरोप की जो शान है, जो उनकी हिस्ट्री है, वो बहुत प्राउडली उसको मैनिफेस्ट करते हैं और बहुत प्राउड हैं उसके बारे में जी। ये 13th century का चर्च है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। इसका जो डोम है वो अकॉर्डिंग टू जो यहाँ लिखा हुआ है, अभी तो आप खैर नज़र नहीं आएगा, ये बनाया था 13th century में बना था और ये मेरी चर्च है, उसमें ये ओनली सेंट्रल चर्च है बर्लिन में। सो इसके और फिर अगेन बिल्कुल टीवी के टावर के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे है जी, ये टावर है, इसके नीचे ये आपको मिलेगा मेरे ख्याल से, ये अम्यूज़मेंट है, नीचे बार है, ऊपर क्लब है, और बिल्कुल टावर के एग्जैक्ट नीचे है ये। तो यहाँ पे बाकी आपको यहाँ भी इनके मेरे ख्याल ये डाउनटाउन हब है, तो ये देखें ट्रेन, सिटी की ट्रेन भी चल रही हैं, साथ साथ गाड़ियाँ भी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हैं, साथ लोग वॉकिंग भी है, तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, मैं बहुत इससे हैरान हूँ।
कि अगर ये हमारे मुल्कों में ये चीज़ें प्रिजर्व हो जाती तो शायद हमारे पास भी इतनी टूरिस्ट होते जितने आज यहाँ लोग आते हैं, हमें हमारी इकॉनमी को भी बूस्ट मिलता है। तो अब ये आपको मैं जो इनकी मॉडर्न ट्रेन चलती हैं सिटी के अंदर, तो ये ट्रेन स्टेशन हैं, रोड्स के साइड दरमियान में ट्रेन स्टेशन बनाए हुए हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो तो है, वो तो इनके स्टेशन तो हैं, बस स्टेशन यहाँ पे, ट्रेन वहाँ, बट ये जो इनके मैप्स हैं, ये हर स्टेशन पे एक मैप लगा हुआ है सिटी का, इसमें ये आपको बताते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। और इसके साथ आपके पास इंग्लिश वाला और एक जर्मन वाला है, तो इसमें ये बिल्डिंग है जहाँ हम रह रहे हैं इसके पीछे, और ये इसके इनका पार्लियामेंट है, तो ये स्पेसिफिकली आपको बताते हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे हैं, कौन सी बस लेंगे, कहाँ जाना है आपने। तो ये मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी इनकी। हम अब इनके सेंटर में पहुँच गए हैं, ये बड़े बिल्डिंग्स हैं, मॉडर्न स्टाइल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिक से निकल के अब मॉडर्न बिल्डिंग्स भी चले हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, दिन में भी आपको बताएंगे, रात में भी। ये कैफेज़ हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, आज एक्चुअली सैटरडे नाइट है तो काफ़ी ज़्यादा रौनक है यहाँ रोडों पर, कहाँ गाने बज रहे हैं और लोग रोडों पर घूम फिर रहे हैं, वरना मेरे नहीं ख्याल कि वीक डेज में सिटी लाइफ इतनी ज़्यादा अलाइव होती है, तो हम परफेक्ट टाइम में आए हैं यहाँ पे जी। जैसे और दूसरी चीज़ हमें जो लगता है कि यूएस कनाडा में मर्सिडीज़ और टोयोटा की टैक्सीज होती हैं, यहाँ पे देखिए मर्सिडीज़ की टैक्सी है, और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आम है मर्सिडीज़ टैक्सी बिल्कुल। उसकी ये बात है क्योंकि शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता हो कि मर्सिडीज़ और BMW जो हैं, लैम्बोर्गिनी, ये सारे ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ के हैं, जर्मनी के ब्रांड्स हैं, तो ये सब कुछ यहीं से बन के जाते हैं। जर्मनी इज़ वन नोन फॉर, जो जानी जाती है अपने मैकेनिकल और ये इस तरक्की की वजह से जानी जाती है, जितने भी इंजन्स हैं, एयरक्राफ्ट इंजन, सब कुछ यहाँ से बन के जाता है, तो ये उस हिसाब से बहुत आगे है बाकी दुनिया से। तो ये भी एक फन फैक्ट है इसके बारे में। ये इनकी ट्रेन हैं, ये इनके ट्रेन स्टॉप्स हैं, डिफरेंट स्टॉप्स हैं, यहाँ से चलती हैं, फिर ये पूरी सिटी में लेके जाती है ट्रेन। ये देखें ट्रेन निकल रही है, ये ट्रेन स्टेशन है यहाँ पे, जो इनके एक तो ट्रेन हैं जो इनकी जो सिटी ट्रेन हैं जो ऊपर चलती हैं रोड पे, और दूसरी जो ट्रेन हैं वो जो वन सिटी से दूसरी सिटी लेके जाती हैं, जो एक और इवन यूरोप सारे को कनेक्ट करती हैं। तो ये देखें हम बिल्कुल डाउनटाउन में खड़े हैं इसके, और अब देखें इंशाल्लाह हम नीचे जा रहे हैं, अब आप देखेंगे कि इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग है इसका। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है और प्रिजर्व मेंटेन किया हुआ है इसे, अगर आपको वो चलने में तकलीफ़ है तो आपके लिए वो इलेक्ट्रिक चेयर्स भी हैं। तो देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कहीं किसी बिल्डिंग में एंटर हो गए, लेकिन ये इनके सबवे ट्रेन है, सबवे ट्रेन सिस्टम है, और जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ इसको मैप मिलते हैं, तो मैप के मुताबिक हम जो अभी हैं हम यहाँ पे हैं, ये जो सर्कल किया हुआ है, और ये देखें इससे नीचे कितने ज़्यादा पार्ट्स हैं, इससे नीचे जाके ट्रेन चलती हैं, ट्रेन हर तरफ सीढ़ियाँ बताई हुई हैं, उसके बाद ये ट्रेन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मेरे लिए भी। Hello guys, this is the police here. Very nice people. People are very friendly here. बहुत अच्छे दो अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मिलना जुलाना। ये यहाँ कैफेटेरियाज हैं, इवन इनके जो स्काई ट्रेन के जो अंडर सबवे लाइन्स हैं इसके अंदर प्रॉपरली आपको एक माहौल मॉल जैसा माहौल मिलेगा, जहाँ पे कैफेटेरियाज हैं, सबवे लाइन्स हैं। अब हम और नीचे जा रहे हैं, और इसके बाद आपके पास ऑप्शन है जो नीचे से बंद लोग आते हैं वहाँ से, सॉरी जो अगर आप लत से फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब ये सारे लोग इस ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, ये ट्रेन अब इन सब लोगों को लेके जाएगी, और वो देखें वहाँ पे खाने का इंतज़ाम देखें, यहाँ पे भी खाने पीने के लिए बहुत से स्टॉल्स लगे हुए हैं डिफरेंट,
टिकट खरीदना हो आप टिकट खरीद सकते हैं। ये येलो ट्रेन यहाँ से चलती है, तो ये इसका हॉर्न है। ये डिफरेंट स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस पे आप जा सकते हैं। और ये है दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड के लिए। तो आज चूँकि सैटरडे है मैंने आपको बताया, तो सब लोग डाउनटाउन वाली साइड ही जा रहे हैं। देखिए अभी हम स्काई ट्रेन, सॉरी मैं स्काई ट्रेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कनाडा में स्काई ट्रेन कहते हैं, बट ये सबवे लाइन है। तो ये देखिए इनकी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फ़ोटोज़, ये इनका बेयर है, पता नहीं येलो क्यों है, हमारी साइड तो ब्लैक और ब्राउन होते हैं। और ये देखिए इनकी जो मॉडर्न सिटी है, ये परफेक्ट है। ये देखिए ये सब साइड इनकी मॉडर्न है, जो अभी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं उन्होंने। मर्सिडीज़ यहीं से स्टार्ट हुई है सबसे पहले। ये देखें इनका जो चर्च है, जो आपको मैंने नीचे ऑर्थोडॉक्स चर्च बताया पीछे उसकी हिस्ट्री, ये वो चर्च है। स्नैपशॉट ली हुई है ऊपर से उन्होंने पूरी सिटी की। और ये देखिए साथ साथ आप चलते जाएं, ये एक चर्च है, फिर उससे आगे एक और है, फिर ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं इनकी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इनका। ये इतनी ज़्यादा सिटी लाइफ के बावजूद उन्होंने इसको ग्रीन रखा हुआ है। ये तो खैर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, आगे चलते हैं आपको मैं बताता हूँ। ये देखें इसकी ये जो सबवे लाइंस हैं इनकी, ये ऑल द वे, ये देखें ट्रेन आपको फ़ोटो में नज़र आ रही है, ट्रेन्स नज़र आ रही हैं। तो ये यहाँ के लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आज सैटरडे नाइट है। तो ये देखें ये इनका, ये बहुत यूजुअल है ये सिंगिंग डांसिंग। आप कैफेटेरियाज में आपको बता रहा था, ये सबवे लाइन के अंदर ये सारा कुछ है, फ़ोन रिपेयर शॉप, ऐसे लग रहे जैसे हम मॉल में घूम रहे हैं, बट ये मॉल नहीं है, ये दिस इज़ लिटरली ये सबवे लाइन। तो ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है इसको। और ये देखिए मोर रेस्टोरेंट्स, इसके ऊपर आप जाएँगे और इंफॉर्मेशन है, उसके बाद ये आपको सब रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे। नीचे जाएंगे आपको स्काई ट्रेन सबवे लाइन मिलेगी, और इससे आगे भी बहुत बड़ा है। पीछे से हम नीचे से उतर के आए, अब हम इसके ऊपर और ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए हमारे अफगानी भाई का रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो हेयर कट शॉप। देखें सबवे लाइन में कभी मैंने नहीं देखी है किसी से हेयर कट शॉप हो नीचे, तो ये बिजनेस यहाँ रन कर रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये जो बिल्डिंग्स ये आप देख रहे हैं, ये सबवे लाइन बहुत तकरीबन 100 साल पुरानी है, मिनिमम 100-150 साल। तो ये तब से ये बिजनेसेस चलते आ रहे हैं। तो ये और आगे जितना आगे जाते जाएंगे सबवे लाइन उतनी बड़ी होती जाती है और स्ट्रेच होती जाती है। राइट साइड पे देखें, यहाँ से पूरी आपको पूरे यूरोप की जो ट्रेनें निकलती हैं स्टेशन से यहाँ से। तो अब हम ऊपर वाले सेक्शन पे आ गए, इससे एक फ्लोर ऊपर है जो सिटी है, ये सिटी सबवे लाइन है, बिल्कुल नीचे बेसमेंट में। तीन डिफरेंट सेक्शंस हैं इसके, तो हम पहले सेक्शन पे हैं और इससे ऊपर सिटी, इससे ऊपर है, अब हम जाएंगे आपको पता लगेगा सिटी है। ये देखें यहाँ पे हमारे अरबी भाइयों की, इनकी रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड चेन्स है यहाँ पर। इसके बाद हम अब एक स्टेप और ऊपर जाना है अगर आपको वापस सिटी के अंदर जाना है। तो ये देखिए सब लोग ट्रेन के लिए नीचे आ रहे हैं, नीचे ट्रेन सिस्टम में। तो हलचल आज बहुत ज़्यादा है, अब देखें एक स्टेप और ऊपर आके अब आपको यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट कुजींस मिलेंगी, अमेरिकन फास्ट फूड चेन बर्गर किंग मिलेगी आपको, बाकी यहाँ लोकल फिश एंड चिप्स मैंने ट्राई किया था दिन में, इट वाज रियली गुड। और यहाँ से भी सब जो नीचे यहाँ तक बहुत जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक ये सब सबवे लाइन है। और इसके बाद हम अब बाहर निकलेंगे यहाँ से, तो बाहर दिखाते हैं हम आपको थोड़ी सी, यहाँ गर्मी ज़्यादा हो गई है बिकॉज़ वो बहुत नीचे सबवे लाइन जो इनकी